जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर आप बनाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ को, चाहने की बात नहीं है, मेरी गुजारिश उनका हक है ना, बिल्कुल हक है उनकी अक्सरियत है। अगर आप लोग ये कामयाब हो जाते हैं नो कॉन्फिडेंस में तो ठीक है, उनका हक है, सब बातें ठीक है, लेकिन देन अगेन आप लोग आपस में जो इत्तेहाद बना हुआ है वो कितना अर्सा सर्वाइव करेगा, आपस में आपके झगड़े नहीं जी होंगे। मैं समझती हूँ कि जो इस अगर जो भी इस वक्त हुकूमत आएगी उसका पहला काम जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा है वो होना चाहिए तरामीम करना इलेक्शन एक्ट में। आप इंतखाबात को फिर से मुतनाजा नहीं बना सकते, पाकिस्तान वैसे ही बहुत बुहरानी कैफियत से गुजर रहा है, एक और लोगों को इम्तिहान में डाले, अपने इख्तदार की जंग नहीं लड़ रहे हम। आप इलेक्शन एक्ट में रिफॉर्म्स लाएं जो आपने लाने, ये आरटीएस वारटीएस खत्म हो सब, और ये आप गैर गैर जानबदार बिल्कुल आप बिल्कुल मुतनाजा गैर मुतनाजा इलेक्शन करवाएं। ठीक है ऊंच नीच होगी वो तो हर बड़े इलेक्शन में होती है, अमेरिका में भी होती है, लेकिन आप मैनेज करें कि इस पर सबका कंसेंसस हो, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कहें कि हम इस पे अग्री करते हैं, इन इलेक्शन तरामीन पर आप इलेक्शन करवाएं। और ये पीपुल्स पार्टी हमेशा कर चुकी है, हम हर चीज कंसेंसस के जरिए, 18वीं तरमीम भी हमने इसी तरह निकाली, नेशनल सिक्योरिटी जो आपने देखा टेररिज्म के खिलाफ आपकी पूरी जंगें शुरू हुई हैं, जो बहुत मुश्किल थी आपकी अस्करी कुवतों के लिए, वो उनको हम भेजते थे ऐसे नहीं मैदान जंग में, आपके पीछे पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, पूरी नेशनल असेंबली और सेनेट खड़ी होती थी, मुश्तरका इजलास में कंसेंसस बनता था, तो कोई छोटी बात नहीं है ये। और जब आप खारजा पॉलिसी इस तरह एक्सरसाइज करते हैं, आप आंख में आंख डाल के दूसरे मुल्क से कहते हैं हम आपका एयरबेस बंद कर रहे हैं, शमसी एयरबेस बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इस वक्त सॉवरेंटी पे हम समझते हैं एक इंक्रोचमेंट है, और हमारी पूरी पार्लियामान इस पर यक जबान है। दूसरा मुल्क भी सोचता है आपको तंबी करने से पहले, अभी तो आपको किसी से ना फोन कॉल आती है ना आपने इतना बड़ा अफगान फॉर्मूला उनको करके दिया, वो छोड़ के चले गए अफगानिस्तान मेस में, अब ना आपसे चीन खुश है ना अमेरिका खुश है, आप कर क्या रहे हैं? आपने इकोनॉमी, आपको मैंने शीट दी है राणा साहब, आपने इकोनॉमी का हाल जो किया है, अगली हुकूमत जो आएगी इस बेहतर आप करके गए इस इलेक्ट्रल रिफॉर्म, वो तो बस उनका तो राग अलाप ना यही होता ना, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बाद जो हुकूमत आएगी ना अगले इलेक्शन के जरिए हुकूमत रहेगी ये वाली, ये मैं नहीं कह सकती जितना जल्दी, आई थिंक दे नीड एन इलेक्शन होना है,